Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss an upload. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं छायोटे की सब्जी बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने छायोटे लिए हुए हैं। अब इनको पहले मैं छील कर इनका छिलका उतार दूँगी और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका छिलका उतार दिया है। अब इसको बीच से कट करूंगी और इसके बीच में ये जो बीच है इसको निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे मैंने इसका बीच निकाल दिया है। अब इसको पतले पतले स्लाइसेस में, पतले पतले टुकड़ों में कट कर लेंगी। ये देखिए, छोटे छोटे पतले पतले टुकड़ों में। ये इसका मैंने ये बीज निकाल दिया। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, पतले स्लाइसेस में। ये देखिए, इस तरह के स्लाइसेस में, पतले स्लाइसेस में कट कर लिया मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे छायोटे को काट के पतले पतले स्लाइसेस में तैयार कर लिया। अब मैं इसको पानी से धोकर साफ कर लूँगी, फिर मैं अब इसकी सब्जी बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छायोटे को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। दो तीन पानी से मैंने अच्छे से साफ किया है इसको। अब मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बर्तन लिया हुआ है। अब इसमें मैं सब्जी बनाऊंगी। इसको गैस को ऑन कर लेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगी, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। मैं बिना प्याज लहसुन की सब्जी बना रही हूँ। आप इसको प्याज लहसुन से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आप प्याज और लहसुन अगर पसंद करते हैं तो सब्जी में आप प्याज और लहसुन को काट कर या उसका पेस्ट बनाकर भी सब्जी बना सकते हैं। सब्जी दोनों तरीके से ही अच्छी लगती है, चाहे आप प्याज लहसुन की बनाएं और चाहे बिना प्याज लहसुन की बनाएं। ये देखिए फ्रेंड, तेल हो गया है। अब इसमें मैं एक छोटी चम्मच जीरा डाल दूंगी। ये देखिए, जीरा चटकने लगा है। अब केयरफुली इसमें ये स्क्वैश डाल दीजिए। स्क्वैश डाल दीजिए। अब इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए।
नमक डाल दीजिए अपने स्वाद के हिसाब से, जैसा आप खाते हो। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर धीमी आंच पे पकने देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको कवर करके स्टीम में धीमी आंच पे, धीमी धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए बीच बीच में सब्जी को खोलकर चलाते जाएंगे, चलाते रहेंगे। देखिए देखिए नमक की वजह से स्क्वैश ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसीलिए मैंने शुरू में थोड़ा पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि बाद में ये स्क्वैश अपने आप थोड़ा पानी छोड़ते हैं। आप इसे बिना पानी के भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बार बार चलाते रहना पड़ेगा जिससे ये नीचे चिपक ना जाए। अब इसको मैं धीमी धीमी आँच पर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए स्क्वैश पक गया है। जब आप इसको ऐसे लेंगे और हल्का सा कट करेंगे तो ये इजीली कट हो जाएगा। ये देखिए यानी ये स्क्वैश पक चुका है। ये एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसको कट करके देखिए, ये देखिए इजीली कट हो गया, तो ये तैयार हो गया है। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इस मोमेंट पे आप आंच को थोड़ा सा गैस को, थोड़ा सा गैस फ्लेम को बढ़ा लीजिए। ये लीजिए गैस फ्लेम को बढ़ा लें और इसको मसाले को मिक्स करके इसके साथ भून देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए सब्जी ने किनारे किनारे तेल छोड़ना शुरू कर दिया। बस इसे थोड़ी देर में और भूनना है, फिर हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। ये देखिए किनारे तेल छूटने लगा है।
ये देखिए सब्जी अच्छे से भुन गई है। अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आप हरा धनिया पसंद करते हैं तो इसको हरी धनिया से आप गार्निश भी कर सकते हैं, नहीं तो सब्जी आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।